हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर और आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड फोन का यूज करके अपने एंड्रॉइड टीवी को इजीली सेटअप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सिमिलर होगा, चाहे आप कोई भी एंड्रॉइड टीवी यूज कर रहे हो या कोई भी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो। हम जो एंड्रॉइड टीवी यूज कर रहे हैं वो है रेडमी स्मार्ट टीवी X43 और ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ये सेटअप का फर्स्ट स्क्रीन है। इससे पहले एक और स्क्रीन आता है जिसपे रेडमी टीवी के इस रिमोट को जो है ना आपको अपने टीवी के साथ पेयर करना होता है। कैसे आपको रेडमी या मी टीवी में ब्लूटूथ रिमोट को पेयर करना है उसके ऊपर वीडियो मेरे चैनल पे है जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब यहां से हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से एंड्रॉइड फोन का यूज करके आप अपने एंड्रॉइड टीवी को सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पे जो है ना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, तो यहां पे हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहां पे आपको अपना कंट्री जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। एंड नेक्स्ट यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्विकली सेटअप योर टीवी विद योर एंड्रॉइड फोन, तो यहां पे जो है ना आपको जस्ट कंटिन्यू पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि क्विक सेटअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट यहां पे आपको अपने एंड्रॉइड फोन में जो गूगल ऐप मिलता है इसको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है सेटअप माई डिवाइस, या फिर आप चाहें तो गूगल असिस्टेंट पे भी आप बोल सकते हैं सेटअप माई डिवाइस। ऑलराइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके एंड्रॉइड फोन में जो है ना सेटअप स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। एंड यहाँ पे ये डिवाइस जो है वो सर्च कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कोड जो है ना मेरे को मेरे फोन स्क्रीन पे भी दिख रहा है और वो सेम कोड जो है ना मेरे को मेरे एंड्रॉइड टीवी के स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे अगर आपका एंड्रॉइड फोन किसी भी वाईफाई से कनेक्टेड है तो जस्ट उस वाईफाई को आप सेलेक्ट कर लेंगे और वो वाईफाई जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपके एंड्रॉइड में भी कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना गूगल अकाउंट और गूगल का जो बैकअप है उसको आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली यहाँ पे आपको कॉपी के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने एंड्रॉइड फोन में जो भी आपका बायोमेट्रिक्स है वो दे देना है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, जो भी आपके एंड्रॉइड फोन में साइन इन है जिसके थ्रू आप अपने टीवी में साइन इन करना चाहते हैं, उस ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना है, उस जीमेल अकाउंट को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे एंड्रॉइड फोन में ऑलमोस्ट फिनिश्ड लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे आपको सिंपली इसको क्लोज कर लेना है एंड आपका एंड्रॉइड फोन के थ्रू सेटअप प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ प्राइवेसी पॉलिसी, कुछ सेटिंग्स जो है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गूगल का टर्म्स ऑफ सर्विस देखने के लिए मिलता है, तो जस्ट इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर अगर आप लोकेशन का परमिशन देना चाहते हैं तो आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर इंप्रूव करना चाहते हैं, आप एंड्रॉइड को हेल्प करना चाहते हैं, अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो आप यस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगर आप गूगल असिस्टेंट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कुछ पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको कंटिन्यू को सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट पर्सनल रिजल्ट्स, मतलब जो आप यूज करते हैं, जो आप सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको पर्सनलाइज रिजल्ट्स जो है वो देखने के लिए मिलेगा, तो आप चाहें तो इसको टर्न ऑन कर सकते हैं या फिर आप इसको नो थैंक्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कुछ इंस्टॉल एडिशनल एप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब इन एप्स में से जिनको भी आप यूज करते हैं उनके ऊपर आप टिक जो है वो रहने दे सकते हैं। अगर आप किसी ऐप को नहीं यूज करते हैं उन एप्स का जो भी चेकबॉक्स है ना उसको आप अनटिक कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू को सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो जो भी एप्स इंस्टॉल होना होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट बहुत सारा एप्स आपको इंस्टॉल्ड मिलता है आपके एंड्रॉइड टीवी में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ आपको जो है ना ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मिलेगा, कुछ बेसिक सा गाइड देखने के लिए मिलेगा, तो जस्ट यहाँ पे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एंड्रॉइड टीवी है उसका सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मी का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए मिलेगा जिसको आप एग्री कर लीजिएगा। अगर आप रेडमी का टीवी सेटअप कर रहे हैं तभी आपको ये मी का टर्म्स ऑफ सर्विस मिलेगा, अदरवाइज आपका सेटअप प्रोसेस जो है वो इजिली कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंड्रॉइड टीवी का जो होम स्क्रीन है वो आ चुका है, तो इजिली एंड क्विकली आप इस तरीके से एंड्रॉइड फोन के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। एंड्रॉइड फोन के थ्रू सेटअप करने से फायदा आपको ये होता है ना कि जो वाईफाई आपके एंड्रॉइड फोन से कनेक्टेड है डायरेक्टली उसी वाईफाई से अपने टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं, ना ही आपको वाईफाई का नेम सेलेक्ट करना होगा, ना ही उसका पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। इसके अलावा मैनुअली आपको अपना गूगल अकाउंट भी जो है ना वो एंटर नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइप के रिमोट से आपको टाइपिंग करने में कितना परेशानी होगा ये हम समझ सकते हैं। इसके बाद अगर आप कॉर्नर में टीवी के सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में अगर आप यहाँ पे डिवाइस प्रेफरेंस में जाते हैं, उसके बाद अबाउट सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे जो है ना आप अपना सिस्टम अपडेट जो है वो चेक कर सकते हैं अपने टीवी के लिए। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे टीवी में कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो टीवी है वो किस एंड्रॉइड वर्जन पे रन कर रहा है। मेरा जो ये मी टीवी है, स्मार्ट टीवी है, ये एंड्रॉइड वर्जन 10 पे रन कर रहा है और सिक्योरिटी पैच जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप अपने एंड्रॉइड टीवी में कोई भी ब्लूटूथ एक्सेसरीज कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई ब्लूटूथ कीबोर्ड हो गया, ब्लूटूथ ईयरफोन हेडफोन हो गया, तो यहाँ पे आप सेटिंग में जो है ना सबसे नीचे रिमोट एंड एक्सेसरीज में जाइएगा और यहाँ पे आप एड एक्सेसरीज को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन
हेडफोन या ब्लूटूथ वायरलेस कीबोर्ड जो है वो आप अपने टीवी के साथ कनेक्ट एंड यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, यही था क्विक सेटअप गाइड, किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड टीवी को, किसी भी एंड्रॉइड टीवी को, किसी भी ब्रांड का हो, उसको अपने एंड्रॉइड फोन की मदद से इजिली सेटअप कर सकते हैं। एंड्रॉइड फोन का यूज करके सेटअप करने से फायदा ये होता है कि बहुत सारा डिटेल्स जो है ना वो आपको मैनुअली एंटर नहीं करना पड़ता। जैसे आपको अपना गूगल अकाउंट का डिटेल्स नहीं एंटर करना पड़ता है, आपको अपने फोन में जो भी वाईफाई कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके टीवी से कनेक्ट हो जाता है। और मेरे पास ये जो टीवी है ये Redmi Smart TV X43 और ये एक 4K Android TV है। इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इस टीवी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस टीवी से रिलेटेड अगर आप किसी भी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक स्क्रीन मिररिंग का, क्रोमकास्ट का, तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।